हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहित बंसल। वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल के लॉ सब्जेक्ट, जो कि पेपर नंबर 13 है बच्चों आपका, उसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर सेक्शन बी के अंदर आता है। आपका लॉ सब्जेक्ट 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो ये सेक्शन बी का चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है बच्चों सेबी इशू डिटेल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2018 रेगुलेशंस। हम इस चैप्टर को शॉर्ट में आईसीडीआर के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, और आपको पता भी होगा कि हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, तो ऑन द स्पॉट उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। इस चैप्टर के टॉपिक्स थोड़े से लेंथी हैं, लंबे हैं, और उनके लिए हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, सेकंड क्लास इस चैप्टर की, उस सेकंड क्लास के अंदर हमने आज जो टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन आया, मतलब स्कैनर साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे टॉपिक वाइज, जैसा हम हर चैप्टर में करते हैं। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज और बता दूं बच्चों, आपके सीएमए मॉड्यूल के अंदर ये जो चैप्टर दिया हुआ है ना, वो थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से दिया है। कहानी नहीं बनती है, बस ऐसे कोई भी टॉपिक उठा के मार दिया। मैं आपको इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, और ऐसे काफी सारे टॉपिक्स मुझे समझाने पड़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं, फिर भी वो समझाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स दिए ना बच्चों, उन टॉपिक्स को अच्छे से समझाने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ाने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आराम से और मस्ती से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सर, आखिर आप ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हो आईसीडीआर इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आखिर इसका मीनिंग क्या है। बच्चों, इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन आपको बहुत डिटेल में दूंगा, पर शॉर्ट में एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कोई भी कंपनी ना अपने शेयर्स को इशू करती है, हर कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर्स इशू करती है, और किसको देती है? पब्लिक को देती है। बच्चे, किसको देती है वो कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, जो भी कंपनी इशू कर रही है वो पब्लिक को देती है। अब बच्चे, इशू करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग, आपने सीएमए इंटर में भी पढ़े हैं ये तरीके, जैसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज। अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आपको ये समझ में आया कि आखिर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर। तो बच्चे, कंपनीज ना शेयर्स इशू करती हैं, डिबेंचर इशू करती हैं, पब्लिक को शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती हैं, और बहुत बार आईपीओ की फॉर्म में करती हैं। सर, ये आईपीओ क्या होता है सब समझाऊंगा। बहुत बार कंपनी राइट इशू लेकर आती है, बहुत बार कंपनी बोनस इशू लेकर आती है, ऐसे कंपनी बहुत बार कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब कंपनी के कुछ लोगों को चुपचाप शेयर्स दे देती है। तो कंपनी के ना ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं अलग अलग, और उन इश्यूज के अंदर कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करती है। अब ऑब्वियस बात है ना बच्चों, अगर कोई कंपनी आज इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बस कंपनी ने सोचा कि मैं आज आईपीओ इशू कर देती हूं और बस वो बिंदास लेकर आ गई, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस होती हैं जो कि कंपनी को फुलफिल करनी पड़ती हैं, और हर इशू की अलग अलग कंडीशंस होती हैं बच्चों। अगर कोई कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है, राइट इशू के अंदर शेयर्स या डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं, तो उसकी अलग कंडीशंस हैं, जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं होंगी वो इशू नहीं आ सकता। कोई कंपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट लेकर आ रही है तो उसकी अलग कंडीशंस हैं, कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर इशू कर रही है उसकी अलग कंडीशंस हैं, कोई कंपनी बोनस शेयर्स का इशू लेकर आ रही है उसकी अलग कंडीशंस हैं। तो कंपनी अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को अगर इशू कर रही है, चाहे से आईपीओ, एफपीओ, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम,
हर चीज का अलग अलग टर्म्स कंडीशंस रूल्स रेगुलेशंस लॉ कानून बना हुआ है। कंपनी को वो रूल्स रेगुलेशंस फुलफिल करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, अलग अलग अथॉरिटीज को बताना पड़ता है, आज हम ये लेकर आ रहे हैं, आज हम ये इशू लेकर आ रहे हैं, आज हमने इतने शेयर्स इशू कर दिए, बहुत सारे डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ते हैं कंपनी को। बच्चों ये सब कुछ कि कौन सा, अगर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है तो क्या क्या कंडीशंस हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर ला रही है तो क्या क्या कंडीशंस हैं, और मैं एक एक चीज का मीनिंग समझाऊंगा, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, फर्दर पब्लिक सब कुछ समझेंगे हम। तो ये कंपनी अगर कभी भी शेयर्स का डिबेंचर्स का इशू लेकर आ रही है ना, तो उसकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो रूल्स रेगुलेशन इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ने। तो बच्चे आज के बाद अगर कभी भी कोई भी आपसे ये बोले कि भाई एक चैप्टर है आईसी डीआर मतलब इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इस चैप्टर में क्या पढ़ते हो, तो आप बोलना कि कंपनी जब भी अपने शेयर्स इशू करती है या डिवेंचर इशू करती है या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करती है तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, और वो टर्म्स कंडीशन इस चैप्टर के अंदर बताई गई। हम पढ़ेंगे कि अगर कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो क्या कंडीशंस है, फर्दर पब्लिक ऑफर लाना चाहती है तो क्या कंडीशंस है, बोनस इशू लाना चाहती है तो क्या कंडीशन है, राइट इशू लाना चाहती है तो क्या कंडीशन है, प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है तो क्या कंडीशंस है, हर एक कंडीशन, सभी रूल्स रेगुलेशन लॉ कानून टर्म्स कंडीशन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। स्टूडेंट बोलता है, सर आपने मुझे इस चैप्टर का मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दे दिया, सर आपने मुझको ये बता दिया कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है या डिवेंचर्स इशू कर रही है या किसी भी तरह की कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू कर रही है तो क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होती हैं, वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलती है। पर सर थोड़ा सा अपने अंदाज में पढ़ाओ ना, जैसे मोहित बंसल सर पढ़ाते हैं, थोड़ा सा पिक्चर की फॉर्म में बताओ, एग्जाम्पल की फॉर्म में बताओ। तो बच्चों अब मैं इस चैप्टर अभी मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगा इस चैप्टर, क्योंकि बच्चों एक मेरा ये मानना है कि जब आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा ना कि आखिर हमारा चैप्टर क्या बोल रहा है तो चैप्टर पढ़ना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इस चैप्टर का हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देखते हैं पिक्चराइज फॉर्म में, बहुत मजा आएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है हमारे रॉकी भाई, इन्होंने रॉकी भाई ने चैप्टर का नाम पढ़ा और इनको चैप्टर के नाम में समझ में आया इशू ऑफ कैपिटल, इशू ऑफ कैपिटल, कैपिटल इशू की जा रही है। तो इन्होंने पुष्पा भाई से पूछा कि पुष्पा भाई कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल कैसे इंक्रीज करती है, या कोई भी कंपनी कैसे अपनी कैपिटल को इशू कर सकती है। तो पुष्पा भाई बोले, पुष्पा भाई ने क्या बोला, पुष्पा भाई देखो ये बोले कि रॉकी भाई कोई भी कंपनी है, जैसे मोहित बंसल क्लासेस ये एक कंपनी है, मान लो ये कंपनी इक्विटी शेयर्स का इशू लेकर आना चाहती है तो इसने पब्लिक को ऑफर दिया कि मैं अपने इक्विटी शेयर्स का इशू लेकर आ रही हूं, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। पब्लिक ने इसके शेयर्स को परचेज कर लिया, तो परचेज फ्री में तो नहीं किया, परचेज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि पैसा मनी पेमेंट करनी पड़ी होगी। बच्चे समझ लो मेरी बात को, भाई मोहित बंसल क्लासेस एक कंपनी है और वो कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है, तो इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए उसने क्या किया, पब्लिक में ऑफर लेकर आई, पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट किया कि हमारी कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। पब्लिक ने उस ऑफर को पढ़ा और पब्लिक ने कंपनी के शेयर्स परचेज करे। परचेज कैसे करे, पब्लिक ने कंपनी को पैसा दिया और उसके बदले उनको शेयर्स मिले। तो बच्चे जितना पैसा आया, सपोज करो टोटल 10 करोड़ रुपए आए,
सपोज करो टोटल 10 करोड़ रुपए के शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिए, तो बच्चे कंपनी की कितनी कैपिटल इंक्रीज हो गई? 10 करोड़ रुपए की कैपिटल इंक्रीज हो गई। सपोज करो इस इशू को लाने से पहले, प्री इशू कैपिटल, इस इशू को लाने से पहले कंपनी की कैपिटल थी 20 करोड़। ऑलरेडी कैपिटल थी 20 करोड़। अब ये मोहित बंसल क्लासेस कंपनी अभी एक इशू लेकर आई है जिसके अंदर इसने 10 करोड़ रुपए के शेयर्स पब्लिक को इशू किए, तो 10 करोड़ से इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और पोस्ट इशू कैपिटल, इशू लाने के बाद की इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? इसकी कैपिटल 30 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि 20 करोड़ तो ऑलरेडी थी कैपिटल, 10 करोड़ की और आ गई, टोटल 30 करोड़ रुपए की कैपिटल हो जाएगी। इस तो रॉकी भाई ने, तो हमारे जो रॉकी भाई हैं उन्होंने पुष्पा भाई से बोला कि आखिर कोई कंपनी अपनी कैपिटल कैसे इश्यू करती है, अपनी कैपिटल कैसे इंक्रीज करती है। चैप्टर के नाम में इश्यू ऑफ कैपिटल लिखा है। पुष्पा भाई बोले कि कैपिटल इशू करने का मतलब शेयर्स इशू करना ही होता है। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, पब्लिक उन शेयर्स को परचेज करती है, तो जितना पैसा पब्लिक ने उन शेयर्स को परचेज करने के लिए दिया, उतने रुपए से कंपनी की कैपिटल बढ़ गई। तो कैपिटल इशू करने का मतलब शेयर्स इशू करना ही होता है। रॉकी भाई बोले, बोले पुष्पा भाई, अगर मैं आपकी इस बात को ध्यान में रखूं, तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हो? आपने बोला अगर कंपनी पब्लिक को शेयर्स दे रही है तो उससे पैसा मिल रहा है, कैपिटल बढ़ रही है। अगर कंपनी अपने खुद के शेयर्स को वापस बाईबैक कर रही है, वापस परचेज कर रही है पब्लिक से, तो क्या कैपिटल घट जाती है? हाँ, अगर शेयर्स पब्लिक को दिए जा रहे हैं और पैसे की कमाई हो रही है, कैपिटल बढ़ती है। जैसे मैंने बताया 20 करोड़ से टोटल 30 करोड़, 30 करोड़ हो गई। लेकिन अगर कंपनी बाईबैक कर रही है, पब्लिक से शेयर्स को वापस परचेज कर रही है, कैपिटल रिड्यूस होती है, कैपिटल डिक्रीज होती है। सपोज करो मोहित बंसल क्लासेस कंपनी की अभी कैपिटल कितनी है? सपोज करो 30 करोड़। पर अब ये बाईबैक का ऑफर लाई, बाईबैक के ऑफर में क्या होता है? कंपनी पब्लिक से बोलती है कि तुम्हारे पास में मेरी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मुझे वापस दे दो, मैं अपनी शेयर्स खुद परचेज कर रही हूँ, वापस परचेज कर रही हूँ। कंपनी ने पहले पब्लिक को शेयर्स इशू किए थे, कंपनी बोल रही है मुझे वापस दे दो, मैं बायबैक कर रही हूँ। तो बायबैक के अंदर कंपनी अपने शेयर्स को वापस परचेज कर लेती है। बच्चों सपोज करो बायबैक के अंदर 10 करोड़ रुपए के शेयर्स परचेज करे, तो अब कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई? अब कंपनी की कैपिटल 20 करोड़ हो गई, क्योंकि 10 करोड़ माइनस हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि 10 करोड़ कम हो गई कैपिटल, क्योंकि उतना पैसा कंपनी ने पब्लिक को वापस पे कर दिया और पब्लिक से शेयर्स ले लिए वापस। तो रॉकी भाई के दिमाग में अभी तक एक बात क्लियर हो गई कि इस चैप्टर के अंदर इश्यू ऑफ कैपिटल नाम क्यों दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि कैपिटल इशू करने का मतलब भी शेयर्स इशू करना ही होता है। ये बात रॉकी भाई के समझ में आ गई। रॉकी भाई ने पूछा था, तो क्या पुष्पा भाई अगर कंपनी अपने शेयर्स को वापस परचेज करती है बाईबैक में, तो क्या कैपिटल रिड्यूस हो जाती है? बोला हाँ, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। अब रॉकी भाई के दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया क्वेश्चन आया। बोला पुष्पा भाई, आपने बोला कैपिटल इशू करने का मतलब है शेयर्स इशू करना, मुझे बताओ कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को या डिवेंचर्स को या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी को जिसको वो इशू करना चाहती है, कैसे कैसे इशू कर सकती है, क्या क्या तरीके हैं इशू करने के?
पुष्पा भाई बोले, बहुत सारे तरीके हैं। कंपनी बोनस इशू के अंदर अपने शेयर्स इशू कर दे, राइट इशू के अंदर अपने शेयर्स इशू कर दे, सबका मीनिंग अलग होता है और सबको मैं बारी बारी समझाऊंगा, एक एक करके सबको समझाऊंगा। कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर दे, कंपनी आईपीओ लेकर आ जाए, कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर आ जाए, कंपनी क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों फिर मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो इतने सारे नाम बता दिए, हमें तो इनका मतलब नहीं पता। अरे मैं काहे के लिए बैठा हूँ यार, फिर नहीं पता तो यही तो मेरा काम, यही तो है पढ़ाना आपको। पहले आईपीओ समझाऊंगा, एफपीओ समझाऊंगा, एक एक करके सब समझा दूंगा। आप इतना समझ लो कि रॉकी भाई ने पुष्पा भाई से सिर्फ इतनी सी बात पूछी है कि पुष्पा भाई, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को, अपनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को, अपने डिवेंचर्स को कैसे कैसे पब्लिक तक इशू कर सकती है? तो पुष्पा भाई बता रहे, बहुत सारे तरीके होते हैं यार। आईपीओ लिया हो, एफपीओ लिया हो, बोनस इशू लिया हो, राइट इशू लिया हो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लिया हो, प्राइवेट प्लेसमेंट लिया हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। रॉकी भाई बोले, पुष्पा भाई ठीक, मुझे आपकी दो बात समझ में आ गई। पहली बात तो रॉकी भाई ने बोला, मुझे ये समझ में आया कि इशू ऑफ कैपिटल का मतलब है इशू ऑफ शेयर्स। अगर शेयर्स इशू किए, अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो कैपिटल बढ़ी, अगर कंपनी ने शेयर्स वापस बायबैक कर लिए तो कैपिटल कम हो गई। उसके अलावा मुझे ये समझ में आ गया कंपनी कैसे कैसे शेयर्स इशू कर सकती है, ये आपने मुझे यहां समझा दिया। ओके रॉकी भाई बोले, पुष्पा भाई ये आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, आईपीओ क्या होता है? पुष्पा भाई बोले, बड़ा ही इजी है, सबसे पहले तो आप इसको पढ़ पढ़ो, पब्लिक ऑफर मतलब कंपनी पब्लिक को ऑफर दे रही है कि आइए और मेरे शेयर्स को परचेज कीजिए। शब्दों को तोड़ो, पी का मतलब पब्लिक, ओ का मतलब ऑफर, मतलब पब्लिक को ऑफर दिया जा रहा है। आई का मतलब है इनिशियल, और इनिशियल शब्द का मतलब होता है पहली बार। क्या होता है देखो बच्चों, अलग अलग क्लास के शेयर्स होते हैं, अलग अलग क्लास के शेयर्स होते हैं। सर अलग अलग क्लास के शेयर्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप मूवी देखने जाते हो, आपको पता है हर मूवी को रेटिंग्स मिलती हैं, किसी मूवी को अच्छी रेटिंग मिलती है, किसी मूवी को बेकार रेटिंग मिलती है। उसी तरह से जब भी कोई कंपनी अपना इशू लेकर आती है तो उसे पहले एक्सपर्ट लोगों से, उसको हम सीआरए बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आप सीएमए कर रहे हो, सीएस नहीं कर रहे हो, इतना समझ लो। जब भी कोई कंपनी अपना शेयर्स इशू करना चाहती है तो उसको एक एजेंसी से रेटिंग लेनी पड़ती है। ये रेटिंग 5 पॉइंट स्केल पर चलती है। 5 पॉइंट स्केल का मतलब क्या होता है, ए ए प्लस, बी सी डी, ऐसे करके। अब सपोज करो, अब ना सपोज करो कि कंपनी है रिलायंस, रिलायंस कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे जिनको रेटिंग मिली ए, और ये इशू करे थे जुलाई में, नवंबर में फिर इशू करे और उनको रेटिंग मिली ए प्लस, फिर फेब में, फरवरी में इशू किए थे और उनको रेटिंग मिली बी। हो गए ना बच्चे, अलग अलग क्लास के शेयर्स, ए क्लास के शेयर, ए प्लस क्लास के शेयर, बी क्लास के शेयर्स। आ रही है मेरी बात समझ में? अब बड़े ध्यान से सुनना, अब मैं समझाने जा रहा हूं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है। सपोज करो कि एक कंपनी है एयरटेल, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, बड़े ध्यान से, एयरटेल कंपनी आज
एक क्लास के शेयर्स को पहली बार पब्लिक को इश्यू कर रही है, मतलब इस क्लास के शेयर्स आज तक एयरटेल ने पब्लिक को इश्यू नहीं किए, ये वाली क्लास के शेयर्स पहली बार पब्लिक को इश्यू किए जा रहे हैं आईपीओ। अगर एक बार वो क्लास के शेयर्स इश्यू हो चुके हैं, दोबारा से सेम क्लास के शेयर्स पब्लिक को इश्यू किए जा रहे हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। मैं और एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आराम से समझिए, आराम से समझिए, है ना। मैं एक बार थोड़ी सी जगह ले लेता हूं बच्चों, यहां पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जगह ले लेता हूं। देखिए, एक कंपनी है बच्चे एयरटेल, एयरटेल दो इशू लेकर आ रही है, एक इशू लेकर आ रही है ए क्लास के शेयर्स का, और ये वाले शेयर पहली बार पब्लिक को इशू किए जा रहे हैं, तो ये है आईपीओ। एयरटेल कंपनी ही एक और इशू लेकर आ रही है ए प्लस क्लास के शेयर्स, और एयरटेल कंपनी ए प्लस क्लास के शेयर्स एक बार पब्लिक को दे चुकी है, ए प्लस क्लास के ही, मतलब इस वाली क्लास के शेयर्स, ए प्लस वाली क्लास के शेयर्स कंपनी ऑलरेडी पब्लिक को एक बार इशू कर चुकी है, अब दोबारा कर रही है फर्दर पब्लिक ऑफर। सेम इसी तरीके से और दूसरा एग्जाम्पल, कंसेप्ट पूरा क्लियर करना है। रिलायंस कंपनी है, या इसको छोड़ो, हाँ रिलायंस को ले लेते हैं, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस एंटरटेनमेंट कंपनी है, रिलायंस एंटरटेनमेंट कंपनी, और ये लेकर आ रही है दबंग नाम के शेयर्स, और दबंग पहली बार पब्लिक को दिया जा रहा है, पहली बार ये पिक्चर इश्यू हो रही है आईपीओ। फिर इशू हो रही है दबंग टू, तो ये तो एक बार इशू हो चुकी है दबंग नाम से, अब दबंग टू मतलब सेम क्लास के शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो ये है फर्दर पब्लिक ऑफर। फिर लेकर आ रहे हैं एकता टाइगर, लेकिन ये वाली क्लास का शेयर तो पहली बार इशू हो रहा है, तो ये है आईपीओ। फिर लेकर आ रहे हैं टाइगर जिंदा है, तो ये तो एक बार इशू हो चुका है इस क्लास का शेयर, दोबारा से लेकर आया जा रहा है, ये है फर्दर पब्लिक ऑफर। फिर अब लेकर आ रहे हैं आपका क्या, भारत, भारत मूवी थी ना, रेडी, रेडी ले लेते हैं, रेडी मूवी, तो ये क्या है आईपीओ। अरे बात समझ में। फिर आ रही है सुल्तान, ये क्या है आईपीओ, क्योंकि इस क्लास के शेयर ऑलरेडी इशू नहीं हुए, अब आएगी सुल्तान टू, तो ये क्या है फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब अगर उस क्लास के शेयर्स आज तक उस कंपनी ने पब्लिक को इशू नहीं किए, पहली बार इशू हो रहे हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगर वो क्लास के शेयर ऑलरेडी एक बार इशू हो चुके हैं, अब दोबारा से पब्लिक को इशू किए जा रहे हैं, तो बच्चे वो हो जाता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। और यही बात हमारे पुष्पा भाई ने रॉकी भाई को समझाई है, जब भी कोई क्लास ऑफ शेयर पहली बार इशू होते हैं वो आईपीओ होता है, अगर कोई क्लास ऑफ शेयर जो पहले ऑलरेडी इशू हो चुका है अब दोबारा इशू हो रहा है वो फर्दर पब्लिक ऑफर हो रहा है। तो रॉकी भाई के बाद ये क्या क्या समझ में आई बच्चों, देखो रिवीजन जरूरी है और आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इशू ऑफ कैपिटल का मतलब है इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है कैपिटल बढ़ेगी, बायबैक कर रही है कैपिटल घट जाएगी। उसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू कंपनी इशू लेकर आ सकती है, फिर मैंने बताया आईपीओ और एफपीओ क्या क्या होता है। अब रॉकी भाई ने बोला, बोला पुष्पा भाई एक बात बताओ, क्या ये इनिशियल पब्लिक ऑफर कोई भी, मतलब हर कंपनी इशू कर सकती है, क्या ये आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर नाम का ये जो इशू है, क्या इसके अंदर कोई भी कंपनी अपने शेयर्स या डिवेंचर को इशू कर सकती है? पुष्पा भाई बोले ना ना ना, यही बात तो ये चैप्टर करता है, अगर कोई भी कंपनी
इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है। अगर कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करना चाहती है तो भैया जरूरी है कि उस कंपनी ने कुछ कंडीशंस को फुलफिल किया हो। अगर वो कंपनी उन कंडीशंस को फुलफिल करती है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ सकती है, वो आईपीओ के अंदर अपने शेयर्स डिबेंचर्स इशू कर सकती है। अगर कंपनी ने वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो वो आईपीओ का ऑफर नहीं ला सकती। तो बच्चों यहां तक मैंने अभी तक आपको सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको जो ये इतना सारा बताया है ना, ये आपके मॉड्यूल के अंदर नहीं दिया हुआ। आपके मॉड्यूल के अंदर तो डायरेक्टली यहां से स्टार्ट है, डायरेक्टली स्टार्ट है कि आईपीओ कौन ला सकता है कौन नहीं ला सकता। लेकिन जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं आईपीओ क्या होता है, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सीएमए मॉड्यूल का जो आपका कंटेंट है ना इस चैप्टर का, वो कम दिया हुआ है। हम बहुत सारा पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ कवर होगा, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो बच्चे यहां तक अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि इस चैप्टर के अंदर हमको ये पढ़ना है कि अगर कोई भी कंपनी आईपीओ ला रही है तो कौन सी कंपनी ला सकती है, क्या क्या कंडीशन है। अगर कोई कंपनी फर्दर पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है तो कौन सी कंपनी लेकर आ सकती है, क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर कोई कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है तो कौन सी कंपनी लेकर आ सकती है, क्या क्या कंडीशंस हैं। अगर कोई कंपनी बोनस इशू लेकर आना चाहती है तो कौन सी कंपनी लेकर आ सकती है, क्या क्या कंडीशंस हैं। बच्चों हमें इस चैप्टर के अंदर वो टर्म्स कंडीशंस समझनी है, वो टर्म्स कंडीशन हमको अच्छे से पढ़नी है। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं लेकर आ सकती। एंटिटीज नॉट एलिजिबल, एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन सी एंटिटीज पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर नहीं आ सकती, हमें ये पढ़ना है बच्चे। ये रेगुलेशन 5 है आपकी इस चैप्टर की। आईसीडीआर जो रेगुलेशंस हम पढ़ रहे हैं 2018 की, उसकी रेगुलेशन 5 में ये बात बताइए। बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, एक-एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं बच्चों मैं आपको कि कौन कौन सी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर नहीं आ सकती। देखिए सपोज कीजिए रिलायंस कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है, जॉनी लीवर रिलायंस कंपनी के प्रमोटर हैं, राजपाल यादव जी रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर हैं और हमारे बाबू भैया रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर है। क्लियर है ये चीज यहां तक। सपोज कीजिए कि रिलायंस कंपनी पब्लिक के पास में इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आना चाहती है, आईपीओ लेकर आना चाहती है, लेकिन या तो खुद रिलायंस कंपनी को मना किया गया है कि आप सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। खुद उस कंपनी को, मतलब इश्यूअर को, जो इश्यू करना चाहता है उसे मना कर दिया गया है कि आप, मना कर दिया गया है कि आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते सिक्योरिटीज मार्केट में, क्योंकि कंपनी ने कुछ गलती करी होगी तो उसे डीबार्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? डीबार्ड। डीबार्ड का मतलब रोक देना, मना कर देना, स्टॉप, प्रोहिबिट कर देना। तो जो कंपनी आईपीओ का इशू लेकर आना चाहती है, अगर उसे सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने से मना किया गया, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग, XYZ, किसी, मतलब वो सिक्योरिटी, वो शेयर्स खरीद ही नहीं सकती, बेची, वो नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं कर सकती। अगर उस कंपनी को नॉर्मल ट्रेडिंग करने से भी डिबार्ड
डिवार्ड कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, वो कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। या फिर उस कंपनी को मना नहीं किया गया, जो कंपनी आईपीओ का इश्यू लेकर आना चाहती है उसको मना नहीं किया गया, बल्कि उसके प्रमोटर को मना किया गया है, क्योंकि उसने कभी कोई फ्रॉड किया है तो भी ये कंपनी नहीं ला सकती। क्योंकि दुनिया बोलेगी, अबे रिलायंस कंपनी, तुम पब्लिक को, हमको इश्यू लेकर आ रहे हो, मतलब तुम हमसे बोल रहे हो कि हम तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, और तुमने खुद एक ऐसा प्रमोटर रख रखा है जो कि फ्रॉड आदमी है और उसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने से मना करा गया है। कमाल करते हो यार, तुम्हारे प्रमोटर ही फ्रॉड लोग हैं और हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करें? ना ना ना, ऐसा नहीं। अगर वो कंपनी जो खुद इशू लेकर आना चाहती है उसको मना कर दिया गया है तो भी आईपीओ का इशू नहीं आ सकता। अगर जो कंपनी इशू ला सक लेना चाहती लेकर आना चाहती है उसको मना नहीं किया गया, उसके प्रमोटर को मना किया गया है, प्रमोटर रेस्ट्रिक्टेड है, तो भी वो कंपनी इशू नहीं ला सकती। या फिर ना तो उस इशूअर को मना किया गया है, ना ही उस प्रमोटर को मना किया गया है, उस कंपनी के डायरेक्टर को मना किया गया है, तो भी वो कंपनी इशू लेकर नहीं आ सकती। या फिर उस कंपनी का शेयर होल्डर जो कि अपने शेयर्स बेचना चाहता है, पहले तो एक बात समझ लो, अगर इशूअर मतलब रिलायंस कंपनी को मना है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकती तो फिर वो आईपीओ नहीं ला सकती। अगर उसके प्रमोटर को मना है तो वो तो भी रिलायंस आईपीओ नहीं ला सकती। अगर डायरेक्टर है तो भी कंपनी नहीं ला सकती, क्योंकि दुनिया बोलती है यार तुमने प्रमोटर डायरेक्टर बड़े लेवल के लोग हैं, वो तुम्हारी कंपनी में डिसीजन ले रहे हैं, तुमने अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को रख रखा है जिनको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से मना कर दिया, फ्रॉड लोग रखते हो तुम, हम तुम्हारी कंपनी के अंदर डीलिंग ही नहीं करेंगे, ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे तुम्हारी। अरे यहां तक बात समझ में? या फिर सपोज करो कि रिलायंस कंपनी का एक शेयर होल्डर है बाबू भैया, और उन्होंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, अब वो ऑफर लेकर दुनिया को बेचना चाहते हैं, मतलब जो पब्लिक ऑफर आ रहा है उसमें कंपनी अपने शेयर्स नहीं दे रही बल्कि ये शेयर होल्डर अपने शेयर्स दे रहा है, और वो शेयर होल्डर को सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से मना किया। अगर इनमें से किसी को भी मना किया गया है तो फिर ये कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। अगर खुद इश्यूअर को मना किया गया है, या उसका प्रमोटर रेस्ट्रिक्टेड है, या उसका डायरेक्टर रेस्ट्रिक्टेड है, या उसका वो शेयर होल्डर जो अपने शेयर्स बेचना चाहता है, सेलिंग सेलिंग शेयर होल्डर, इनमें से इन चारों में से कोई एक को भी अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से, तो फिर वो ये कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। मैंने यहां पर लिखा भी है, देखो, रिलायंस कंपनी या जॉनी लीवर प्रमोटर या राजपाल यादव डायरेक्टर या बाबू भैया सेलिंग शेयर होल्डर, इनमें से किसी को भी अगर मना किया गया है, अगर किसी को भी ये बोला गया आप सिक्योरिटीज मार्केट में डील नहीं कर सकते, तो फिर रिलायंस कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। स्टूडेंट बोलता है, सर एक कंडीशन समझ में आ गई, दूसरी कंडीशन समझाओ, दूसरी कंडीशन समझा देते हैं। रिलायंस कंपनी तो बढ़िया, रिलायंस कंपनी जो है वो लेकर आना चाहती है आईपीओ, और वो उसको मना नहीं किया गया, रिलायंस कंपनी बढ़िया कंपनी है, उसको किसी ने मना नहीं किया सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से, लेकिन इसका डायरेक्टर या इसका सेलिंग शेयर होल्डर या इसका प्रमोटर, इनमें से कोई भी एयरटेल कंपनी से रिलेटेड है। ध्यान से सुनना, रिलायंस कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है और वो खुद प्रोहिबिटेड नहीं है, डिवार्ड नहीं है, उसको किसी ने मना नहीं किया सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने से, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन लेकिन रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर या सेलिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर एयरटेल कंपनी मतलब किसी दूसरी कंपनी अदर कंपनी इससे रिलेटेड है, इसके अंदर डायरेक्टर हैं प्रमोटर हैं, और ये एयरटेल कंपनी को
डिबार्ड किया हुआ है। तो आज सोचिए रिलायंस कंपनी मेरे पास आई मोहित बंसल के पास कि मोहित जी मैं पब्लिक आईपीओ लेकर आना चाहती हूं, आप शेयर्स खरीद लेना मेरे आईपीओ के अंदर। मैं बोलूंगा यार मैं कैसे खरीदूं, चलो आपको खुद को रिलायंस कंपनी को सिक्योरिटीज मार्केट में डील करने से मना नहीं किया, मानता हूं मना नहीं किया, लेकिन आपकी कंपनी का जो डायरेक्टर है राजपाल यादव या प्रमोटर है जॉनी लीवर साहब या फिर सेलिंग शेयर होल्डर है बाबू भैया, वो लोग ऑलरेडी ऐसी कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर या सेलिंग शेयर होल्डर है एयरटेल कंपनी जिसको मना किया, आपको मना नहीं किया, लेकिन आपके टॉप मैनेजमेंट में जो इंसान बैठा है वो ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ है जो कि वो दूसरी कंपनी से जुड़ा हुआ उस कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर है जो कंपनी डिवाइड है। आज सपोज करो एयरटेल कंपनी को रेस्ट्रिक्ट किया गया, जॉनी लीवर जी इस एयरटेल के भी प्रमोटर हैं या राजपाल यादव जी इस एयरटेल के भी डायरेक्टर हैं, इन्होंने ही तो बेड़ा गर्क किया है एयरटेल का। कंपनी में डिसीजन कौन लेता है? कंपनी में डिसीजन लेता है प्रमोटर या डायरेक्टर। ये इसके प्रमोटर हैं या ये इसके डायरेक्टर हैं, इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए एयरटेल में, तभी तो एयरटेल को डिवाइड किया गया। माना ये आपके डायरेक्टर हैं प्रमोटर हैं और आपकी कंपनी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, लेकिन ये जिस कंपनी के दूसरी कंपनी में भी तो डायरेक्टर प्रमोटर है उसको तो मना किया गया है। क्या गारंटी है इस बात की कि ऐसा ये आपकी कंपनी में नहीं करवाएंगे? अगर हमने इस आपके भरोसे पे पैसा दे दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये लोग तो पहले ही एक कंपनी को बर्बाद कर चुके हैं, आपको भी बर्बाद कर देंगे। तो बच्चों अगर ध्यान से, अब दो पॉइंट पढ़े हमने, अगर या तो खुद इश्यूअर रेस्ट्रिक्टेड है या उसका डायरेक्टर या सेलिंग शेयर होल्डर या प्रमोटर रेस्ट्रिक्टेड है तो आईपीओ नहीं आ सकता, या फिर इश्यूअर खुद रेस्ट्रिक्टेड नहीं है लेकिन उसके डायरेक्टर प्रमोटर या शेयर होल्डर ऐसी किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर या शेयर होल्डर है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, तो भी ये कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। लाने के लिए इनको हटाना पड़ेगा, कोई नया डायरेक्टर या प्रमोटर अपॉइंट करना पड़ेगा। स्टूडेंट बोलता है सर दो कंडीशन समझ में आ गई, आगे चलते। सर दो कंडीशन मुझे समझ में आ गई, आगे चलते हैं, लेकिन लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सपोज करो आपने बोला कि अगर खुद इश्यूअर मतलब कंपनी या फिर उस कंपनी का डायरेक्टर या फिर उस कंपनी का प्रमोटर या फिर उस कंपनी का सेलिंग शेयर होल्डर, अगर इनमें से कोई भी रेस्ट्रिक्टेड या डिबार्ड है सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से, या ये लोग किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर है और वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो फिर ये कंपनी आईपीओ नहीं लेकर आ सकती। मैं समझ गया सर, दोनों पॉइंट समझ गया, पर एक क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि रिलायंस कंपनी इशू लेकर आना चाहती है, आईपीओ लेकर आना चाहती है, और उसके आईपीओ लाने से पहले इनकी जो रेस्ट्रिक्शंस थी, इनकी जो प्रोहिबिशन थी वो एंड हो गई। अभी तक तो ये रेस्ट्रिक्टेड थे, अभी तक तो इनको मना किया गया था सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड, किसी को भी मना किया गया था सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से, मान रहे हैं आपकी बात को यार, लेकिन ये रिलायंस कंपनी इशू लेकर आती उससे पहले वो रेस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई, वो रेस्ट्रिक्शन हट गई। रिलायंस कंपनी अब जो आईपीओ लेकर आना चाह रही है, आईपीओ अभी तक लाई नहीं है, अब लेकर आना चाह रही है, उससे पहले इनकी जो रेस्ट्रिक्शंस थी, जो इनके ऊपर प्रोहिबिशन थी, जो इनको डिवाइड किया गया था उसको रिमूव करा जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, तो वैलिड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और तब रिलायंस कंपनी आईपीओ का इशू ला सकती है। और बच्चों ये इसका एक्सेप्शन है जो कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है। तो दो कंडीशन हमने पढ़ ली, थर्ड कंडीशन पे आते हैं। अगर या तो सपोज करो कि रिलायंस कंपनी है, जैसे सपोज करो रिलायंस कंपनी है और वो आईपीओ लाना चाहती है, तो वो कौन हो गई? इश्यूअर। लेकिन उसने मान के चलो कहीं किसी से लोन लिया हुआ है
या पब्लिक को डिवेंचर इशू किए हुए हैं, या पब्लिक का पैसा अपने पास में डिपॉजिट किया हुआ है और रीपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दी जानबूझ के, विलफुल अपनी मर्जी से। मतलब इनके पास पैसा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं, पैसा है, और ये चाहें तो पैसे का रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर इन्होंने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो उसको दे सकते हैं, या डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं, या डिपॉजिट्स को, जो भी इनके ऊपर पैसा उधार बाकी है किसी भी सेंस में, ये उसका रिपेमेंट कर सकते हैं, पर जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर, मर्जी से डिफॉल्ट कर रहे हैं, मर्जी से जानबूझ के, या तो खुद कंपनी इशुअर या उसका प्रमोटर या उसका डायरेक्टर, जानबूझकर डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो फिर ये आईपीओ नहीं लेकर आ सकते, तो फिर ये आईपीओ नहीं लेकर आ सकते। तो स्टूडेंट बोलता है, सर अभी तक आपने तीन कंडीशन मेरे को बताई। पहली कंडीशन तो आपने बताई सर कि जो या तो इश्यूअर या प्रमोटर या डायरेक्टर या सेलिंग शेयर होल्डर डिवाइड है, या फिर ये खुद डिवाइड नहीं है लेकिन किसी ऐसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर या सेलिंग शेयर होल्डर है जो कि वो कंपनी डिवाइड है। लेकिन एक्सेप्शन है कि आईपीओ लाने से पहले अगर वो रेस्ट्रिक्शन हट जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद में बताया, अगर इश्यूअर कंपनी या फिर डायरेक्टर या प्रमोटर अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो फिर उस केस में नहीं ला सकते। अब एक लास्ट कंडीशन, सेकंड लास्ट कंडीशन, अगर प्रमोटर या डायरेक्टर इकोनॉमिक ऑफेंडर है, मतलब देखा जाए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, मतलब किसी के पैसे खा गए तो भी नहीं ला सकते। और एक ई पॉइंट और आ जाता है बच्चों, सिंपल सा पॉइंट, सपोज कीजिए एयरटेल या कोई दूसरी कंपनी लो, टाटा कंपनी, इसने शेयर्स इशू किए थे, कन्वर्टेबल शेयर्स या डिवेंचर इशू किए थे, मान लो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। डिवेंचर्स आपको पता है ना क्या होता है, कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, जैसे मैं कंपनी हूं मोहित बंसल क्लासेस, मैंने आपसे बोला कि लाओ मुझे पैसा दे दो और इसके बदले में मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, जैसे आप अपना पैसा बैंक में जमा कराते हो मेरे पास कंपनी के पास जमा करा दो, मैं हर महीने इंटरेस्ट दूंगा और जो मैच्योरिटी टाइम में बताऊंगा मैं उस मैच्योरिटी टाइम पे आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा और इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी जैसे बैंक से हो, और इस बात को मैं अपने लेटर हेड पे लिख के दूंगा आपको कि मैंने आपसे पैसा लिया है, हर महीने इतना इंटरेस्ट दूंगा और प्रिंसिपल अमाउंट दे दूंगा मैच्योर। इस उस डॉक्यूमेंट को, उस कागज के टुकड़े को जिस पर मैंने ये लिख कर दी है बात, उसको डिवेंचर बोलते हैं। अब डिवेंचर भी दो तरह का होता है, एक तो होता है कि मैंने पब्लिक से पैसा लिया और मैंने उनको बोला कि 2 साल बाद में मैं आपको पूरा पैसा दे दूंगा और हर महीने इंटरेस्ट देता रहूंगा, तो ये तो मैंने पैसा लिया और पैसा वापस कर दिया। एक होता है कि मैंने बोला कन्वर्टेबल डिवेंचर है, मतलब 2 साल बाद में जब मैच्योर हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो पैसा वापस ले लें, या फिर अगर कोई आदमी ये बोले कि साहब मुझे पैसा वापस मत करो, अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दो, जितना मेरा पैसा बनता है उतने रुपए के शेयर्स दे दो तो मैं शेयर्स दे दूंगा। मैं यही बात बता रहा हूं, टाटा कंपनी ने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करे थे, आज वो मैच्योर हो गए, तो अब टाटा कंपनी को अब उन डिवेंचर्स के बदले इक्विटी शेयर्स देने चाहिए जिन जिन लोगों ने डिवेंचर्स खरीदे थे, या पैसा देना चाहिए। वो मैच्योर तो हो गए पर वो अभी तक अनपेड है, मतलब पब्लिक को वापस नहीं किए। या तो टाटा कंपनी उन डिवेंचर्स के बदले में अपनी इक्विटी शेयर्स देती या फिर पैसा वापस करती, लेकिन अनपेड है, नहीं दिया, तो फिर वो कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। एक्सेप्शन जो है वो ये बोल रहा है, यहां तक की बात समझ में आ गया? तो मैं दोबारा से वो पहले यहां एक्सेप्शन समझाऊंगा, पहले यहां तक समझ लो, चार पांच कंडीशन मैंने समझाई, मोटा मोटी चार कंडीशन है, डी और सी पॉइंट सेम। एक तो मैंने समझाया कि आपका इश्यूअर या प्रमोटर या डायरेक्टर या फिर सेलिंग शेयर होल्डर डिफॉल्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर ये लोग रेस्ट्रिक्टेड नहीं है लेकिन ये लोग ऐसी किसी कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर या सेलिंग शेयर होल्डर है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर लेकिन अगर वो रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है आईपीओ से पहले तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर इन्होंने विलफुल डिफॉल्ट करी है ना, या फिर मैंने बोला कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है
वो मैच्योर हो गई लेकिन पेमेंट नहीं किया। स्टूडेंट बोलता है यहां तक समझ में आ गया, लेकिन एक डाउट ऐसा, एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने कहा बोलो। बोले सर सपोज करो दो कंपनी है, सपोज करो सर दो कंपनी है, एक कंपनी है सर एयरटेल और एक कंपनी है सर वोडाफोन। अब तो बीआई हो गया, वोडाफोन आइडिया, एग्जाम्पल के लिए वोडाफोन ले लेते हैं। सर एयरटेल कंपनी ने कन्वर्टिबल सिक्योरिटी इशू करी थी, वो मैच्योर हो गई लेकिन अभी तक अनपेड है, और ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज उन्होंने पब्लिक को इशू करी थी नॉर्मली। क्या ये आईपीओ ला सकती है? ये आईपीओ नहीं ला सकती। लेकिन सर वोडाफोन ने भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करी थी लेकिन पब्लिक को नहीं, ओनली अपने एम्प्लॉयज को इशू करी थी, वो भी एक स्कीम के तहत इशू करी थी। ऐसे वो इशू करनी करना नहीं चाहती थी, लेकिन एक स्कीम होती है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये आपने सीएमए इंटर में डिटेल में पढ़ी है। मैं अब इसको डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, वरना फिर ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है ईसॉस, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। बट आप इतना समझ लो, अगर कोई कंपनी जिसने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करी, अगर वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आज भी अनपेड है, मैच्योर हो चुकी है लेकिन वो अनपेड है, तो आईपीओ नहीं ला पाएगी कंपनी अगर वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी पब्लिक को नॉर्मली इशू करेगी। लेकिन अगर वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज सिर्फ कंपनी ने सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को इशू करी थी, वो भी एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईपीओ आ सकता है, ये इसका एक्सेप्शन। तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, और अभी तक सिर्फ मैंने आपको रेगुलेशन 5 में ये बताया है कि आईपीओ कौन कौन सी कंपनी नहीं ला सकती, सिर्फ इतना सा बताया है। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास हम लोग जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम अब ये पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने देखा कौन कौन सी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि वो कंपनीज जो आईपीओ ला सकती हैं, जो कि इन रेगुलेशन 5 के अंदर किसी भी कंडीशन में फॉल नहीं हो रही हैं, मतलब वो आईपीओ ला सकती हैं, वो वैलिड है आईपीओ लाने के लिए, एंटाइटल है, अगर वो आईपीओ ला रही हैं तो उन्हें किन किन कंडीशंस का ध्यान रखना है, हमें ये एक एक कंडीशन पढ़नी है अगर आईपीओ ला सकती है। अभी तक तो रेगुलेशन 5 में तो मैंने बताया कौन कौन सी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती, अब मैं बोल रहा हूं हम रेगुलेशन 6 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कंपनियां आईपीओ लेकर आ सकती हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना है। और बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे रेगुलेशन 5 और रेगुलेशन 6 के अंदर। रेगुलेशन 5 हमने पढ़ ली, रेगुलेशन 6 भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और दोनों की रेगुलेशन के हम हाथ की हाथ पूरा स्कैनर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर ये चीज यहां तक? अच्छा, दूसरी बात बच्चों मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारी क्लासेस परचेज करना चाहते हैं मोहित बंसल क्लासेस की, तो आप हमारी क्लासेस को हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए बच्चों, नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 9829767888, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके आप क्लासेस के बारे में बात कर सकते हैं। ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे टाइप करें मोहित बंसल क्लासेस, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, इस टाइप का लोगो आएगा, या फिर वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करते ही ऐप पे पहुंच जाओगे आप, वहां से भी क्लासेस ले सकते हो, गूगल ड्राइव पर भी क्लास ले सकते हो। इस नंबर पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, अगर आपको क्लास लेने में कुछ पूछना है तो वो कर सकते हो। ऐप पर भी आप पूछ सकते हो, वहां पर चैट ऑप्शन आता है, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेज होते हैं हमारे, उसमें आपको प्रॉपर पूरी क्लासेस मिलती हैं, प्लस आपको नोट्स मिलते हैं, घर पे आपके होम डिलीवरी होती है 7 डेज के अंदर ऑल ओवर इंडिया,
स्कैनर पूरा सॉल्व होता है, टॉपिक वाइज सॉल्व कराते हैं, प्लस हर चैप्टर का एमसीक्यू, जैसे इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी मैंने अलग से सॉल्व करवा दिए हैं, उसके नोट्स भी अलग से दिए गए हैं, प्लस टेस्ट होता है बच्चे हर फ्राइडे को रेगुलर टेस्ट होते हैं, हर चैप्टर के टेस्ट होते हैं, पर एक चैप्टर के 3 टेस्ट होते हैं, एमसीक्यू टेस्ट अलग, एक चैप्टर के 3 बार टेस्ट होता है, एमसीक्यू अलग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बच्चों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।